सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। यादव डेयरी फार्म आपको रेगुलर अच्छी क्वालिटी का पशुधन दिखाने के प्रयास में हर उस पशुपालक तक पहुंचने का हम एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें चाहे वो एक पशुधन रखने वाला हमारा साधारण किसान हो या बात करें रूटीन से जो बिक्री का काम करने वाले पशुपालक हैं, जो व्यापारिक वर्ग के भाई हैं, उनकी बात करें। क्योंकि संभवतः अगर इस प्रयास को कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिक्री का काम करने वाले हैं, वही पशुपालक पूरा कर सकते हैं। उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे पशुपालक के यहाँ से कवरेज लेके आ रहे हैं, मैं कहूँगा काफ़ी कम टाइम के अंदर एक ऐसी पहचान बनाई है मुर्रा पे काम करके, और अच्छी मिल्क लाइन की बफलोज दिखाई है इन्होंने। जितनी भी वीडियोज आई हैं काफ़ी पसंद किया गया है पशुपालकों के द्वारा, और आज फिर से काफ़ी अच्छा पशुधन लेके फिर आप भाइयों के समक्ष हाजिर हैं। कम वीडियोस बनवाते हैं लेकिन जब वीडियो आती है तो मैं बात करूं काफ़ी पसंद की जाती है। तो आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं राकेश जी के यहाँ से। सबसे पहले जो भी भाई इस कवरेज को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। रेगुलर वीडियोज़ के लिए साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि वहां भी वीडियोज आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं राकेश गांव सुधराणा से, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा। सुधराणा गांव का नाम शायद इससे पहले कहीं सुनने में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन आज अदर कंट्रीज तक इनके जो पशुधन के कारण इनके गांव का जो नाम है वो काफी फेमस हो चुका है। तो आज आपको मिलवाएंगे और बाद में इस पशुधन के बारे में पूछेंगे। नमस्कार राकेश जी। नमस्ते भाई साहब। आज कितने पशु दिखा रहे हो इस वीडियो में? आज भाई साहब दो दिखाएंगे। दो? तो दोनों बच्चा दी हुई है? दोनों बच्चा दी हुई है। तो शुरुआत से डिटेल इसी जोटी से स्टार्ट करें, थोड़ा इस साइड बोल दो, बच्चा पस में भी लगा देगा इसको नहीं तो। क्या डिटेल है, कौन से ब्यात की है, क्या कुछ? तीसरे ब्यात की झोटी में। जी जी। और बच्चा की इसको 7 दिन हो गए मात्र। 7 दिन? जी जी। आज मौके पे मैं ये बताना चाहूंगा आपको, इसमें 16 किलो दूध तैयार है। 16 किलो दूध आज मौके पे तैयार है? जी जी। ठीक है। साथ में बच्चा क्या है इसके? फीमेल काफ। फीमेल काफ। हाँ जी। ये पूरे 20 केजी की मिल्क लाइन की भैंस। अच्छा, 20 किलो दूध किसकी जो निकाला है इसने पूरा? अच्छा अच्छा, 20 किलो पहले निकाला हुआ है दूसरे ब्यांत में। जी जी। साथ में आप फीमेल काफ सामने देख पा रहे हैं, पीछे बंधी हुई है, आपको दिखाना चाहेंगे मात्र 7 दिन की है। ये देखो इसका तांदवा सूंडवा जो बोलते हैं, ये देख सकते हैं जो इसका नीचे जो सूंड है, जो एक इनकी हम कहेंगे एक आईडी प्रूफ होता है कि इतने दिन की सुई हुई है। ये देखो मात्र दो ही दांत होंगे। जी जी। ये देखो। छोड़ दो परेशान मत। तो काफी बड़े आर्डर की जोटी है और 20 लीटर दूध की इसके इनका कहना है कि क्षमता इस जोटी की निकालने की। जिस हिसाब से जोटी आज 7 दिन की तो है। जी जी। 16 किलो दूध तैयार है तो 7 दिन की है तो आप अनुमान लगा सकते हो। जी जी जी। ठीक है जी। एक बार खोल के ले आओ इसको, इधर ले आओ। तीसरे ब्यात की जोटी, और बात करें साइज की, शरीर का काफी हैवी साइज में, काफी बड़ा सींग, बिल्कुल छोटा शरीर पे जमता हुआ सींग, काफी कम पशुधन ऐसे कैमरे के सामने आप आते हैं। ये देख सकते हैं आप काफी हैवी जो फोर अर्डर इसका चारों थन बिल्कुल अलग अलग। बात करें स्पेसिंग की या पशुधन की क्वालिटी की, तो मैं शुरुआत से ही एक बात बोल रहा हूँ, जब राकेश जी का नाम वीडियो में होता है तो पशुपालक भी काफी पसंद करते हैं वीडियोज को। तो सिंग से लेके टेल तक कोई भी माइनस पॉइंट नहीं, टेल में कुछ बाल वाइट, उसी तरह जो फीमेल काफ है उसकी टेल में भी कुछ ही बाल वाइट है। ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार जो इसकी आर्डर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी। ये पशु ब्रीडिंग एवज से होते हैं जिनसे हम अच्छे काफ ले सकते हैं, जो फ्यूचर में जो भाई एक या दो पशुधन रखने वाले हैं उनके लिए मैं कहूँगा काफ़ी शानदार। ये देखिए चार चार अंगुल का स्पेस काफ़ी भाई दिखाते हैं, लेकिन इतना स्पेस बिल्कुल हम कहेंगे एक किस्म से बर्फी के आकार का इसका जो अड्र, साइड से दिखा दिया, बहुत बहुत स्पेस है। और ये पीछे ये देख सकते हैं इतना ही इसका जो अड्र की क्वालिटी पीछे से। इसमें आज के दिन, हाँ जी, 2.5 किलो से अबाव हुआ गाड़ी है, 2.5 किलो दूध से अबाव हुआ गाड़ी है। और एक ये देख सकते हैं आप जो अड्र में आपको नसें दिखाई दे रही हैं, एक आर्डर की सेप, देखो 4 अंगुल से भी ज्यादा क्या है। जी जी, बहुत कम पशुओं का ऐसा आपको साइज में। जी जी। कोई भाई सच है ना, सिंग लग रहा है? जी जी। लग नहीं रहा है सिंग? नहीं नहीं, घूम रहा है।
देखिए राकेश जी, ओरिजिनल सींग भी वही होता है जो पशुधन की टचिंग ना हो, बिल्कुल छोटा सींग है और टच भी नहीं हो रहा है, नहीं तो काफी बार ऐसा होता है छोटे सींग के चक्कर में एक पशुधन है उसका काफी, और बिल्कुल शांत मंदिर इधर बोल दो थोड़ा। तो अभी 16 किलो दूध साथ में फीमेल काफ और 20-21 इनका कहना है इसने निकाल रखा है पहले जो दूसरे ब्यांत में पिछली बार जो ओनर से जहां से ली है, और कितने लंबे टाइम दूध देने की क्या कुछ रिपोर्ट मिली है इसकी जहां से? बहुत लंबा दूध निकाला मंजीत इसने। अच्छा अच्छा, मालिक ने तो ये कहा कि अगर मेरी बाखड़ी हो जाए ना तो खड़े हो जाए। हाँ हाँ, तो ऐसी जगह देना ताकि मेरी वापिस आ जाए। जी जी हाँ। ये देख सकते हैं ऐसा पशुधन लेके आना, फील्ड से सिलेक्ट करना, ये एक व्यापारिक वर्ग के जरिए संभव है। तो कोई भी भाई इस पशुधन को खरीदना चाहता है, मैं कहूंगा काफी बेहतरीन क्वालिटी देखने को। जी जी, काफी भाई वीडियोस के कमेंट्स में भी लिखते हैं, काफी पर्सनली भी पूछते हैं कि राकेश जी कहाँ से पशुधन लेके आते हैं। सिलेक्शन काफी बड़ी चीज होती है, वो चाहे कोई भी पशुपालक हो। तो ये देख सकते हैं फोर ऑर्डर काफी अच्छा पशुधन। आगे एक और पहले ब्याज की छोटी बन जी जी ठीक है जी, बच्चा थी वे इसको 4 दिन जी, 4 दिन की है, 4 दिन की। हाँ, ये खींच से खाली करने के बाद इसमें नीचना तो मैं कहूँगा 8 kg जी जी, बाकी 9 भी हो सकता है। अच्छा, 9 किलो दूध आप 8 बता रहे हो? 8 बता रहा हूँ, 8 किलो से स्टार्ट हुई। साथ में बच्चा क्या है? फीमेल काफ है इसमें भी। फीमेल काफ, तो बिल्कुल छोटे सींग की जी जी, बिल्कुल छोटे सींग की, जेड ब्लैक कलर, और इसकी जो काफ है वो आपको एक बार यहीं पे दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देखो जी जी, ये देख सकते हैं बिल्कुल कच्ची, 4 दिन की ये देखो, चौथे दिन की ब्याई हुई है और साथ में कटड़ी। और मैं बताना चाहूंगा 9 किलो दूध इनका कहना है कि एक बार इसको भी खोल लो। 8-9 से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल रिंग सींग है जी जी। तो बिल्कुल छोटे सींग की, हर पशु में अलग अलग क्वालिटी होती है। और मैं बात करूं कलर की, बिल्कुल जेड ब्लैक कलर है इस कटड़ी का, और जो साइज है वो भी काफी अच्छा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सींग, जेड ब्लैक कलर, छोटे हेड की, थोड़ी नॉर्मली सी बाई की शिकायत जरूर दिखाई दे रही है। तो जो थन है वो भी काफी अच्छे निकाल रखे हैं, पीठ पुट्ठे की चौड़ाई काफी अच्छी, और पहले ब्यांत की जोटी का मेन जो बाई खरीदते हैं मैं कहूँगा जो थनों की क्वालिटी है वो मेन देखी जाती है, ताकि मिल्किंग में किसी तरह की समस्या पशुपालक भाइयों को ना आए। ये देख सकते हैं फेस वैल्यू बहुत ही शांत स्वभाव की जी जी, पशुधन जो भी मुर्रा पशुधन है उसकी जो फेस वैल्यू है वो काफी मैटर करती है, छोटा सींग छोटा हेड होगा उतनी ही सुंदरता देखते ही बढ़ती है। और एक बात बताना चाहिए जी जी, ये देख सकते हैं आप टाइट, तो अपना अनुमान लगा रहा हूँ जी जी, 15 किलो दूध तो निकालना चाहिए जी जी, साइज के हिसाब से निकालना चाहिए। जोटी उठी है ना तुझे? जी जी, आज की सिखाने करने के बाद आज 8 kg दूध तैयार है जी जी, तो ये 15 kg दूध निकाल दे। 8 किलो दूध खीस या चीक या बोले से खाली करते ही वो अच्छा रहे जी जी, 18 kg इसके बाद अंदर निकाल रखे दूसरी जी। टाइट अडर है, जब जोटी चलती है तो अडर काफी अच्छा दिखाई पड़ता है, पीठ काफी चौड़ी है, देख सकते हैं जो पैर के बीच का फंसा हुआ अडर है ओरिजिनल जो पशुधन दूध वाला मिलेगा। ये देख सकते हैं थन, थोड़ी बाई बाई है वो दूध वाली साइड में उतार रखी है, क्योंकि पहले ब्यांत की जोटियां मोस्टली उतार देती हैं। तो राकेश जी एक बार अपना संपर्क सूत्र बताएं। 96-71 जी सर, 86 जी, 53-94 जी जी। इनका जो मोबाइल नंबर है वो रेगुलर चल रहा है, कोई भी भाई ये फर्स्ट टाइमर जोटी जो एक पशु रखने वाले हैं और जिनकी एक मेन डिमांड होती है कि पहले ब्यांत की चाहिए, चाहे वो 13-14 किलो दूध की, 12 किलो दूध की जी जी, बिल्कुल कोई भी आए अपना 2 टाइम दूध देख लीजिए जी जी। तो थोड़ा मच्छर मक्खियों के कारण पशुधन जरूर परेशान है, क्योंकि मच्छर मक्खी इस टाइम में जो यहाँ पे बाजरे कपास का सीजन चल रहा है उसके कारण काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो काफी अच्छा पशुधन ले जी जी, टाइट लेवा लेके आएगी जी, ये खुले अडर की नहीं है जो बड़ा अडर होता है। तो एक ये तीसरे ब्यांत की जोटी किसी बुल के समान इसका बड़ा शरीर और 16 किलो दूध आज तैयार है, साथ में इसके भी फीमेल काफ, काफी टाइम के बाद 2 फीमेल काफ एक साथ पशुधन के साथ देखने को मिली हैं। तो कोई भी भाई अधिक जानकारी के लिए राकेश जी का मोबाइल नंबर है वो रेगुलर स्क्रीन पे चल रहा है, इनसे संपर्क कर सकता है। अच्छा पशुधन दिखाने का एक माध्यम मात्र है जिसमें आप भाइयों के लिए रेगुलर वीडियोज लेके आ रहे हैं। तो
मैं कहूँगा कम रखें, लेकिन उमदा क्वालिटी के रखें, पशुधन देख के जांच के लें, चाहे वो किसी भी पशुपालक के पास लें। आप भाइयों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर किसी नए पशुपालक के यहाँ मिलेंगे, तब तक के लिए सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।